हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी नए चावल की खीर। तो नए चावल की खीर बनाने के लिए हमने एक बाउल चावल लिए हैं, एकदम फ्रेश चावल हैं ये, और ये नए चावल हैं, इसकी खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने एक बाउल चीनी ली है, आप अपनी पसंद के अनुसार चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 6 हमने इलायची ली है, और हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे हमने कट कर लिया है। इसमें हमने छुआरा, किशमिश और चिरौंजी और मखाने लिए हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी नारियल को डाल सकते हैं। तो देखिए, हमने फुल फैट का दूध लिया है, ये लगभग 2.5 किलो दूध है। तो चलिए सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, दूध में अच्छा उबाल आ जाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें खीर बनाएंगे। खीर खासकर सभी को पसंद होती है, खीर बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। सर्दियों के मौसम में खीर बनाकर देखें, इसका स्वाद ही कुछ और होता है। और खीर को आप पूड़ी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए चावलों को भी एक बड़े बाउल में करके धुल लेते हैं। खीर बनाने के लिए आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, हमने ये पवित्रा चावल लिए, बहुत ही टेस्टी इसकी खीर बनती है। तो देखिए, हमने सिम गैस कर दिए, दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक हमें चावलों को नहीं डालना है। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद ही हम चावल को ऐड करेंगे। तो देखिए, चावल को हमने धुलकर तैयार कर लिया है, इलायची को भी कूट कर तैयार कर लेते हैं, इसका दरदरा मोटा पाउडर बना लेते हैं। इलायची का फ्लेवर खीर में बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद हो तो आप लोग डालें, अगर आपको पसंद ना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, दूध में उबाल आ गया है, चावल को भी ऐड कर देते हैं। तो चलिए चावलों को चला देते हैं, हर 5 मिनट में खीर को चलाते रहना है, जिससे हमारी खीर नीचे तली में लगे ना। ये बहुत ही सरल तरीका है खीर बनाने का, आप लोग इस तरीके से खीर बनाना जरूर सीखें। तो चलिए, खीर पे एक प्लेट ढक देते हैं, 5 मिनट बाद खीर को फिर से चेक करके देखेंगे। हर 5 मिनट में हमें खीर को चलाते रहना है। तो देखिए, 5 मिनट हो गए, खीर को चला देते हैं। फिर से ढक देते हैं, 10 मिनट बाद खीर को फिर से चला कर देखेंगे। खीर को गाढ़ा होने तक फिर से पका लेते हैं, 10 मिनट बाद खीर को फिर से चेक करके देखेंगे। ड्राई फ्रूट हमें अभी नहीं डालने, जब हमारी खीर आधी बन जाएगी उसके बाद ही हम ड्राई फ्रूट को ऐड करेंगे। जब हमारे चावल अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद हम सभी ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो देखिए, कुल मिला के 10 मिनट हो गए, खीर को चेक करके देखते हैं हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं नहीं। तो देखिए, हमारी खीर बहुत अच्छे से बन रही है, बहुत ही अच्छा दूध में उबाल आ रहा है। तो देखिए, हम एक चम्मच की हेल्प से चावल को चेक करके देखते हैं हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं नहीं। तो देखिए, हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। खीर को गाढ़ा होने तक फिर से पका लेते हैं, इसे 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। अभी हमें इलायची नहीं डालनी है, इलायची हम बाद में डालेंगे। तो देखिए, 3 से 4 बादाम भी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो चलिए, खीर में मीठा भी ऐड कर देते हैं, शुगर को भी डाल देते हैं। खीर में मेवे अच्छे से पक गए हैं, खीर को चला देते हैं और इसमें चीनी भी ऐड कर देते हैं। मीठा आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद तो कम डाल सकते हैं। चीनी को मिक्स कर देते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इलायची पाउडर को भी डाल देते हैं। ध्यान रहे, इलायची पाउडर आपको सबसे बाद में डालना है, जिससे इसका फ्लेवर खीर में बहुत अच्छे से आए। और ये डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल देते हैं, हमारी टेस्टी खीर बनकर तैयार हो गई है। सभी को मिक्स कर देते हैं, बहुत ही टेस्टी खीर बनी है, आप लोग इस तरीके से खीर बनाकर जरूर देखें, बहुत ही सरल तरीका है। इस तरीके से खीर बना के आप लोग पूड़ी के साथ खाएं,
बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी खीर बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सरल तरीके से हमने खीर को बनाया। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करके हमारी खीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को हमारी खीर की रेसिपी कैसी लगी। तो सर्व करने के लिए खीर को बाउल में परोस देते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी खीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।